मेरा नाम है सुमो, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की हम बात करने वाला है MIUI 13 के बारे में, क्योंकि MIUI 13 पे बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है और बहुत जल्दी ये लॉन्च होने वाला है। किस मंथ लॉन्च होने वाला है इसकी भी इन्फॉर्मेशन निकल के आ चुकी है, मतलब नेक्स्ट ईयर नहीं इसी साल ये लॉन्च होने वाला है, वो बताऊंगा सब कुछ इन्फॉर्मेशन। और MIUI 13 में कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत सारे मैंने फीचर बताए हैं ऑलरेडी, लेकिन कुछ और भी फीचर निकल के हैं वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। क्या कुछ फीचर अभी निकल के आए हैं और मतलब किस मंथ ये लॉन्च हो सकता है उसकी भी इन्फॉर्मेशन निकल के आ चुकी है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करते रहिएगा। और चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, 200 लाइक करता हूं। उम्मीद करते हैं आप इसे फटाफट से कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बात करूंगा जो अभी भी MIUI 13 के कुछ नए फीचर निकल के हैं वो अब आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद बात करूंगा इसको लॉन्च डेट को लेकर। जी हां, सबसे पहले फीचर की बात कर लेते हैं। तो MIUI 13 के अंदर एक फीचर आने वाला है जिसका नाम है स्मार्ट टूल बॉक्स का फीचर। तो ये देखते हैं एक नए UI के साथ आपको देखने को मिलेगा। अभी हमारे फोनों के अंदर एक वीडियो टूल बॉक्स का फीचर देखने को मिलता है, जो कि आप देखते हैं करंट टाइम में कुछ इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है, जो कि सिंपल UI के साथ आता है। लेकिन MIUI 13 में इसका नाम कर दिया जाएगा स्मार्ट टूल बॉक्स का फीचर नाम कर दिया जाएगा। और इसमें फीचर भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड किए जाएंगे, जैसे कि आपने सैमसंग की UI में देखा होगा या ओप्पो के UI में देखा होगा, तो उस प्रकार का एक स्मार्ट टूल बॉक्स का फीचर आने वाला है। कुछ फीचर वैसे ही रहेंगे जो वीडियो टूल बॉक्स में जैसे आपका काम करता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर इसके अंदर ऐड होने वाला है, जैसे कि टूल बॉक्स पोजीशन, गेम्स, वीडियो एप्स, ऑलवेज शो, कुछ इस प्रकार का ये फीचर देखने को मिलने वाला है। के माध्यम से कुछ को समझाने की कोशिश करता हूं। ये फीचर क्या, देखते हैं एक ऑलवेज शो का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। वीडियो टूल बॉक्स में क्या होता था, एक पर्टिकुलर ऐप पे आप वीडियो टूल बॉक्स को अनेबल कर सकते हैं, लेकिन ये स्मार्ट टूल बॉक्स का मतलब ऑलवेज, मतलब हर जगह ये शॉर्टकट आपका अनेबल रहेगा। मान लीजिए आप होम स्क्रीन पे हैं तो आपके होम स्क्रीन पे भी एक साइड में शॉर्टकट देखने को मिलेगा और वहीं से इस चीज को अनेबल कर पाएंगे और फ्लोटिंग विंडो में उसको यूज कर पाएंगे। जैसे कि वीडियो टूल बॉक्स होता है ना एक पर्टिकुलर ऐप पे होता है, लेकिन इसमें ऑलवेज शो का ऑप्शन देखने को मिलता है। और भी देखते हैं शो व्हाइल प्लेइंग वीडियोज के अंदर, गेम्स के अंदर, ये सभी कुछ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और नए UI के साथ देखने में UI देखते हैं कितना अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही शानदार ये लुक लग रहा है। बाकी MIUI 13 में ही आपको देखने को मिलेगा स्पेशल फीचर के अंदर। वैसे अभी ये फीचर आया नहीं है इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर जोरों शोरों से चल रही है MIUI 13 पे तैयारी, और यहाँ पे जो बीटा अपडेट चल रहे हैं उसमें टेस्टिंग की जा रही है MIUI 13 के कुछ फीचर के बारे में। तो यहाँ पे स्मार्ट टूल बॉक्स का फीचर वहाँ पे ऐड कर दिया गया बीटा अपडेट के अंदर, जो कि MIUI 13 के अपडेट के साथ ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, देखते हैं MIUI 13 के काफी सारे फीचर के बारे में पता लगता है। देखते हैं MIUI 13 यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, MIUI 13 का लोगो देखने को मिलता है और कुछ चाइनीज में लगा हुआ है, और यहाँ पे कुछ चाइनीज लैंग्वेज में लिखा है जो कि मैंने ट्रांसलेट करके देखा। तो यहाँ पे लाइट कोन मोड 2.0 देखने को मिलता है, यहाँ पे गैलेक्सी वॉलपेपर सुपर वॉलपेपर 2.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा MIUI 13 के साथ। MI प्राइवेसी 2.0 आने वाला है, जो कि काफी नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं नेचुरल टच 2.0 का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, एजबिलिटी 3.0 का सपोर्ट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मेंशन किए गए हैं, और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप देखते हैं ये पेज जैसे लग रहा है कि ना, जो कि पर्सनलाइजेशन वाले ऑप्शन में कुछ लेआउट था ना उसी प्रकार का देखने को मिलता है। इस प्रकार का एक पोस्टर तैयार किया गया है, मतलब एक प्रकार से ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़रा यहाँ पे 2.0 इनका जो वर्जन है मतलब चेंज करने वाले हैं, जो कि काफ़ी समय से इन्होंने चेंज नहीं किए थे उनको चेंज करने वाले हैं, जैसे कि 2.0 MI प्राइवेसी 2.0, नेचुरल टच 2.0, बहुत सारे इसमें फीचर आने वाले हैं, बाकी हमें आने पर ही पता लगेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट कुछ फीचर की मैं बात की बात करें तो वो कंट्रोल सेंटर को निकल के आ रहा है। ये अभी ऑफिशियली नहीं है, लेकिन ये कुछ पोस्ट निकल के आए थी वाइबर पर, तो मैंने सोचा ये बता दिया है कि MIUI 13 बताया जा रहा है कि इस प्रकार का कंट्रोल सेंटर देखने को मिल सकता है, बाकी आने पे ही पता लगेगा। जैसे कि ब्राइटनेस, साउंड वगैरह यहाँ पे कर दिए जाएंगे। पहले आप MIUI 12 या 12.5 में देखेंगे तो कुछ इस टाइप में हमें देखने को मिलता है ब्राइटनेस, ये साउंड वगैरह तो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता लेकिन ब्राइटनेस, लेकिन MIUI 13 बता रहा है जो कि iOS में जैसा होता है बिल्कुल वैसा सिमिलर होने वाला यार, तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलने वाला कंट्रोल सेंटर। ये ऑफिशियली नहीं है, अभी बताया जा रहा, हो सकता है इस प्रकार का कंट्रोल सेंटर MIUI 13 के अंदर। अगले कुछ फीचर की बात करें तो ये देखिए, मैंने अभी बताया था नेचुरल टच 2.0 या 3.0 आई थिंक वो बताया था, तो कुछ इस प्रकार का ये देखते हैं लेआउट आपको देखने को मिलेगा। ये लेआउट बहुत कम डिवाइसों को देखने को मिलेगा, ये मैं बहुत पहले से ये फीचर बताता आया हूँ, लेकिन अब यहाँ पर पोस्टर से पता लग रहा है कि ये फीचर आने वाला है नेचुरल 2.0 का, ठीक है। तो देखते हैं लेआउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये फ्लेक्सी डिवाइसों को बताया जा रहा है ज़्यादातर से मिलने के चांसेस है, मतलब ये वाला लेआउट, और काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें फीचर देखने को मिलेंगे, नेचुरल टच, क्रिटिकल टच वाला फीचर यहाँ पे, मतलब रियलिस्टिक फीचर बहुत सारे इसमें देखने को मिलने वाले हैं। इसमें से ये वाला UI तो मैंने अनेबल करके बताया भी हुआ है किस प्रकार से अनेबल कर सकते हैं अपने फोन के अंदर, जो कि बहुत पहले बनाया था, तो मेरे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का ये फीचर आने वाला है नेचुरल टच 2.0 की बात करो तो, जो कि आपका वॉल्यूम स्लाइडर है ना, पहले इसमें आपको 3 पैनल देखने को मिलते थे म्यूजिक साउंड वगैरह इस प्रकार से, तो लेकिन एक यहाँ पे लेआउट आपको और ऐड देखने को मिलेगा। ये फीचर उन्हीं को देखने को मिलेगा जिनको एंड्रॉइड 12 देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि एंड्रॉइड 12 का फीचर है, जो MIUI
13 एंड्रॉइड 11 पे जिनको ये फीचर मिलेगा तो शायद तक ये फीचर नहीं देखने को मिलेगा, और एंड्रॉइड 12 जिनको जिनको देखने को मिलेगा उनको शायद तक ये वाला फीचर देखने को। हमने बात कर ली जो फीचर नए अभी निकल के आए थे, वैसे और भी फीचर आने वाले हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ, इससे पहले भी MIUI 13 की वीडियो मैंने बनाई हुई है तो उसमें मैंने कवर किया हुआ बहुत सारे फीचर के बारे में, तो वो वीडियो आप चेकअप कर सकते हैं। लेकिन अभी जो निकल के आए थे मैंने उसको कवर कर दिया जो कि अभी भी बीटा अपडेट में टेस्ट किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे MIUI 13 को लॉन्च डेट को लेकर इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है। यहाँ पे ली जून जो कि Xiaomi की CEO है ना, उन्होंने पोस्ट करके बताया जाए कि इसी साल ये आपका लॉन्च हो जाएगा MIUI 13, नेक्स्ट ईयर का आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये चाइना में लॉन्च होगा, उसके बाद हमारे आते आते इंडिया में नेक्स्ट ईयर मतलब लॉन्च हो जाएगा जनवरी फरवरी में जब भी लॉन्च होगा, पहले दिसंबर के अंदर ये चाइना के अंदर लॉन्च होगा, ये ली जून की तरफ से हमें कन्फर्म होता है। देखते हैं यहाँ पे लिखा है कुछ हफ्तों बाद यहाँ पे आपके इंटरनेशनल मतलब ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो मैंने कुछ पहले भी एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि MIUI 13 है जो कि नवंबर के एंड में लॉन्च होने वाला है, लेकिन आई थिंक उसको पोस्टपोन करने वाले हैं और यहाँ पे लॉन्च होने वाला है दिसंबर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे Xiaomi का एक स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है तो Xiaomi वाले सोच रहे हैं कि उस स्मार्टफोन के साथ ही MIUI 13 को लॉन्च कर दिया जाए तो उसी स्मार्टफोन के साथ आपको MIUI 13 देखने को मिलेगा। अब स्मार्टफोन कौन सा हो सकता है, मी सीरीज का कोई फोन होने वाला है, मी मिक्स 4 आई थिंक इस प्रकार का कोई स्मार्टफोन होने वाला है, उसी स्मार्टफोन के साथ आपका MIUI 13 भी लॉन्च हो जाएगा। जी हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। MIUI 12.5 इन्हांस इतना कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, मतलब वो उसमें ज़्यादा फीचर नहीं है यार। MIUI 13 में बहुत सारे फीचर होने वाले हैं, उसका मैं वेट कर रहा हूँ। तो फाइनली ये दिसंबर के अंदर आपका लॉन्च होगा चाइना के अंदर, उसके बाद हमें इंडिया के अंदर या ग्लोबल में देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी MIUI 13 की। आई होप आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए सभी, ताकि उसको भी पता लगे MIUI की सारी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।